आपके सामने खुली हुई है वो रिएक्ट केयर जो लास्ट क्लास में हमने बनाई थी, इसका ज़रा फोल्डर का स्ट्रक्चर देख लेते हैं फिर इसको हम होस्टिंग करेंगे ना। अच्छा, फोल्डर के स्ट्रक्चर में अगर आप गौर करें तो सबसे पहले आपके पास है पैकेज डॉट जेसन की फाइल, बल्कि उससे भी पहले रीडमी डॉट एम डी है। अच्छा, रीडमी डॉट एम डी क्या होता है? ये वो फाइल होती है जब आप गिटहब में अपने कोड को पुश करते हैं ना, तो ये फाइल क्या होती है? इको बहुत ज़्यादा इन्होंने खोला हुआ। तो ये फाइल जो होती है वो आपके रिपोजिटरी के मेन पेज पे एज अ होम पेज ये रिएक्ट कर रही होती है। मार्क डाउन फाइल इसको बोलते हैं, एम डी स्टैंड्स फॉर मार्क डाउन। तो मार्क डाउन का ना सिंटैक्स है कि ये भी मार्कअप लैंग्वेज है एक्चुअली HTML की तरह, लेकिन ये वेबसाइट के लिए इस्तेमाल नहीं होती है। जस्ट ऐसे आपको ना बहुत ही क्विकली अगर हेडिंग वेडिंग ऊपर नीचे करनी हो तो ये इसकी हेडिंग 1 है, ये इसकी हेडिंग 2 है, और कोड अगर इसमें लिखना होता है तो वो इस तरह करके लिखते हैं बैकटिक में। आप अलग से जाके ना गूगल पे लिखेंगे ना मार्क डाउन, तो ये मार्क डाउन आपके सामने गाइड आ जाएगी ना कि मार्क डाउन, ओ नहीं ये नहीं, मार्क डाउन चीट शीट करके एक था। हाँ ये रहा मार्क डाउन चीट शीट मैंने लिखा। तो देखो इसमें ये क्या क्या लग जाता है, हेडर, एम्फेसाइज, लिस्ट, इमेज, फुटर नोट, ये सब लग जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने पूरा बताया हुआ है कि भाई अब हेडर्स में क्या क्या चीज़ अवेलेबल है इसमें, ठीक है, ये उसका रिजल्ट है, ठीक है। तो ये बहुत ही लिमिटेड है, बहुत ही छोटी सी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है ये, ठीक है। लिंक्स वगैरह इस तरह से डिस्प्ले होते हैं इसमें, उसका रिजल्ट कुछ इस तरह का आएगा। तो गिटहब जो है उसको सपोर्ट करता है मार्कडाउन को। जहाँ पे ऐसा वाला लोगो बना हुआ हो ना, ये वाला पर्पल सा लोगो जो है, उसका मतलब होता है कि भाई यहाँ पे मार्कडाउन क्या है, टेबल इसमें इस तरह बनती है, ठीक है। तो सिर्फ टेक्स्ट लिख के आप उसको वो कर सकते हैं। वेल, तो ये एक एडिशनल बात थी जो मैंने आप, ये क्या किया मैंने, हाँ अभी गूगल क्रोम को मैंने वापस खोल लिया। अच्छा वेल, वीएस कोड कहाँ गया हमारा, वीएस कोड हमारा ये रहा। अच्छा, तो सबसे पहले हमारे पास मार्कडाउन की फाइल है, उसके बाद हमारे पास पैकेज डॉट जेसन है। पैकेज डॉट जेसन क्या होता है, npm की जो डिपेंडेंसीज हैं सारी वो इसके अंदर आके स्टोर होती हैं। असल में नॉट जे एस पे बनी हुई जो एप्स होती हैं ना, उनको हम क्या कहते हैं, पैकेज कहते हैं, ठीक है। तो वो उस पैकेज की जो सारी डिटेल है ना, वो ये है कि नेम क्या है इस ऐप का, वर्जन क्या है, ठीक है, डिपेंडेंसीज का मतलब लाइब्रेरी कौन कौन सी इसमें इस्तेमाल हो रही है, ठीक है, ये चलेगी कैसे, स्टार्ट कैसे होगी, वो यहाँ मेंशन हुआ हुआ होता है। तो मैं npm start लिखता हूँ तो ये पीछे ये कमांड एक्चुअली रन हो रही होती है, ठीक है। तो इसी तरह की कुछ डिटेल्स इसके अंदर सेव होती हैं, क्या कहते हैं, क्योंकि ये Node.js की ऐप होती है असल में, जो रिएक्ट जो फ्रेमवर्क है ना वो ऑन द टॉप ऑफ Node.js चलता है। तो ये Node.js का पैकेज है। Node.js पे बनी हुई कोई भी ऐप होगी, चाहे वो रिएक्ट की ऐप हो, चाहे वो सर्वर की ऐप हो, चाहे कोई भी दूसरी हो, चाहे वो कोई CLI टूल हो, उसमें ये फाइल ज़रूर होती है। इस फाइल को देख के पता चलता है कि ये रिएक्ट, ये Node.js की ऐप है। अच्छा, उसके अलावा ये लॉक फाइल एक है। लॉक फाइल भी असल में डिपेंडेंसी को कैरी कर रही होती है, लेकिन यहाँ पे ना कुछ ज़्यादा डिटेल्स होती हैं, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग उसके बारे में। क्योंकि समटाइम ऐसा होता है जब आप एक लाइब्रेरी को इस्तेमाल करते हैं तो एक लाइब्रेरी तो नहीं होती, 4-5-6 तो बॉयलर प्लेट में ही लगी हुई है। तो 20-25-50 लाइब्रेरीज जब आप इस्तेमाल करते हैं तो कुछ लाइब्रेरीज आपस में कंपैटिबल नहीं होती, तो इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं। तो ये क्या करता है, उनके वर्जन्स को लॉक कर देता है, यानी जो आपने इंस्टॉल किया और जो आपने रन किया अपने डेस्कटॉप के ऊपर, उसको उस वर्जन को लॉक कर देता है। तो जब वो क्लाउड में जाती है ना, तो वो जब भी उसको आप रन करो वो उसी वर्जन के साथ रन होती है, वो दूसरे वर्जन के साथ रन नहीं होती। तो इससे कुछ छोटे मोटे मसले जो है वो टैकल हो जाते हैं, ख़ासतौर पर बड़े प्रोजेक्ट्स में ये लॉक फाइल बहुत काम आती है। छोटे प्रोजेक्ट्स में अगर ना भी फाइल हो, इसको डिलीट भी कर दें तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बड़े प्रोजेक्ट में क्या होता है, जब आप अपने कंप्यूटर पे चलाते हैं ऐप को और जब क्लाउड में भेजते हैं तो वो ज़ाहिर है सारी लाइब्रेरीज को इंस्टॉल किया जाता है क्लाउड पे अलग से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक है SRC फाइल। SRC तो आप सब देख चुके हैं जब हमने हेलो वर्ल्ड बनाया था इससे पहले वाली क्लास में क्लाउड सैंडबॉक्स पे, तो उसमें SRC की फाइल में ही हमने चेंजेस की थी। तो ये मेरा सोर्स कोड है, ये मेरा एक्चुअल कोड है जहाँ पे मैं चेंजेस करूँगा, इसके अलावा किसी दूसरे फोल्डर में मुझे चेंजेस नहीं करनी है। अच्छा, उसके बाद एक पब्लिक का फोल्डर है। पब्लिक का फोल्डर क्या होता है, इसमें जो इंडेक्स की फाइल है ना आपकी, वो इसके अंदर होती है। अगर जस्ट इन केस मुझे CDN वगैरह लगाना पड़ गया, कुछ लगाना पड़ा, तो मैं वो यहाँ पर लगाऊंगा। वैसे मुझे इसको चेंज करने की ज़रूरत आमतौर पर नहीं पड़ती,
ठीक है, तो इसको मैंने चेंज नहीं करना, इसको मैंने ऐसे ही छोड़ देना है। अच्छा, उसके अलावा मेरे पास है नॉट मॉड्यूल्स। नॉट मॉड्यूल्स क्या है, ये लाइब्रेरी जब आप इंस्टॉल करते हैं ना कोई भी, तो वो एक्चुअल में आके इस फोल्डर में स्टोर हो जाती है, लेकिन इस फोल्डर को आपने github.com पे पुश नहीं करना है, ठीक है, और ना ही इसको कहीं होस्टिंग जब आप करेंगे तो इसको पुश करना है, इसको आपने कहीं पे भी नहीं भेजना। होगा क्या कि जब आप इसको github.com पे पुश करेंगे तो नॉट मॉड्यूल साथ में नहीं जाएगा, लेकिन जब आप अगली दफ़ा किसी दूसरे कंप्यूटर में इसको क्लोन करते हैं तो ये चलेगी भी नहीं है, क्योंकि नॉट मॉड्यूल तो इसमें है नहीं। तो मैं काम करता हूँ, नॉट मॉड्यूल को मैं डिलीट करके ये डेमोन्स्ट्रेशन ज़रा एक दफ़ा करवा देता हूँ आपकी, ठीक है। ये मैंने नॉट मॉड्यूल को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। अब मैं इस फोल्डर में जाता हूँ, एक्चुअली मैं पहले से ही इस फोल्डर में मौजूद हूँ, ठीक है, मैं इसमें मौजूद हूँ। मैं जब npm start चलाऊँगा, यही कमांड थी इस ऐप को रन करने के लिए, तो इसने मुझे क्या दे दिया, इसने मुझे एरर दे दिया कि रिएक्ट स्क्रिप्ट जो है वो नॉट फाउंड, इसने मुझे एरर दे दिया। तो अब मुझे उस फोल्डर को वापस लाने के लिए क्या करना होगा, जैसा कि मैंने बताया था जितनी भी लाइब्रेरीज इंस्टॉल हैं वो यहाँ पे डिपेंडेंसीज के नाम से एक लिस्ट बनी हुई होती है कि भाई ये वो लाइब्रेरीज हैं जो इसमें इस्तेमाल हो रही है। तो मैं जब लिखूँगा ना यहाँ पे npm install और आगे मैं किसी लाइब्रेरी का नाम नहीं लिख रहा, वैसे मैं जब कोई लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हैं ना तो हम इसी तरह करते हैं npm install और उस लाइब्रेरी का नाम, लेकिन अगर मैं नाम नहीं लिखूँ सिर्फ मैं npm install लिख के एंटर कर दूँ तो ये करता क्या है, ये जाता है पैकेज डॉट जेसन की फाइल को तलाश करता है और उसमें से देख के सारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर देता है। लेकिन ज़रूरी है इसके लिए कि आप ये कमांड अपने प्रोजेक्ट के रूट पर चला रहे हो, सही है ना, क्योंकि ये प्रोजेक्ट के रूट पर ही पड़ा हुआ होता है पैकेज डॉट जेसन, अदरवाइज इसको ये ढूंढेगा पैकेज डॉट जेसन, इसको मिलेगा नहीं तो ये फिर मना कर देगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप src के फोल्डर के अंदर चले गए, अब वहाँ जाके आप अगर चलाएंगे तो वहाँ पे ये काम नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे इसको पैकेज डॉट जेसन समझ नहीं आएगा, ये सिर्फ उसी लेवल पे ढूंढेगा पैकेज डॉट जेसन की फाइल को जहाँ पे इस वक्त आप टर्मिनल में खड़े हैं। अच्छा, तो ये मैंने इसको चला दिया npm i। अच्छा, npm install पूरा लिखना ज़रूरी नहीं है मेरे लिए, मैं npm i भी लिख सकता हूँ, सही है, ये भी शॉर्टकट है इसका, तो दोनों सही है, एक ही बात है। फिर मैं इसको अब लिखूंगा npm start, तो अब ये प्रॉपर रन हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये प्रॉपर रन हो गया, जो भी बात लिखी हुई थी उसके अंदर वो यहाँ पे लिखी हुई आ गई। अब मैं क्या करूँगा, इसको कुछ मैं एक्स्ट्रा चीज़ें लिखूँगा इसके अंदर और मज़ीद थोड़ा सा, मैंने कहा यार सम मोर टेक्स्ट और इसको मे बी मैं H1 के अंदर लगा दूँ, अच्छा आप सबने नोट किया होगा कि ये आपको ना सजेशन नहीं दे रहा होगा, जैसे देखो अभी मैं लिखता हूँ ना H1 तो मुझे ये सजेशन नहीं दे रहा जैसे HTML में देता था, तो इसके लिए आपको करना ये होगा, इसके लिए इस फाइल का जो नाम है ना JS, इसको आपको क्या करना होगा JSX करना होगा, सही है, JSX का मतलब है कि रिएक्ट की फाइल है, कोई फ़र्क नहीं है इसके अंदर, लेकिन जस्ट आपके जो टेक्स्ट एडिटर है ना, क्योंकि सिर्फ JS लिखा हुआ ना टेक्स्ट एडिटर को समझ नहीं आता कि ये कौन सी JS है। अब JS तो सर्वर में भी होती है, JS तो ब्राउज़र में भी होती है, ब्राउज़र वाले जो ऐप होती है, रिएक्ट में भी JS है, तो इसको JSX करने से ना आप देखें फौरी तौर पे इसको लोगो भी इसने रिएक्ट का बना दिया, अब इसको समझ में आ गया कि ये कौन सी ऐप है, ये रिएक्ट की ऐप है। मैंने H2 लिखा, देखो इसमें सजेशन आना शुरू हो गई, ठीक है, वरना आमतौर पर ऐसा होता नहीं है ना, जावास्क्रिप्ट की फाइल में HTML थोड़ी लिखता है कोई, तो ये अब इसको समझ में आ रहा है कि अच्छा ये सीन चल गया आ रहा है। तो आप जितनी भी फाइल अब बनाएंगे इसमें JS की, वो आप JSX के नाम से बनाया करेंगे, तो फिर आपको ये सजेशन वगैरह सब देंगे। तो मैंने कहा कि भाई सम मोर डेटा इन H2। अब मैं जैसे जैसे वहाँ पे लिखता जाऊँ, ये क्या हुआ, नहीं इसको मैं रिफ्रेश, अच्छा वो असल में npm start जो हुआ है ना, वो npm start की जो कमांड लिखी हुई है यहाँ पे, असल में मैंने पहले से रन किया हुआ था तो मुझे रोक, फाइल का नाम चेंज करने पे मुझे रोक के उसको चलाना पड़ा, सही है। अब मैं यहाँ पे जो भी टेक्स्ट लिखता जाऊँगा तो मुझे रियल टाइम में यहाँ पे चेंजेस नज़र आती जाएंगी। एंड नाउ इट्स टाइम टू होस्ट दिस फाइल, ये हमारी जो रिएक्ट की ऐप है इसको इंटरनेट पे होस्ट करने की बारी है। अच्छा, होस्टिंग करने से पहले मुझे एक काम करना पड़ेगा, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ये जो कोड लिखा हुआ है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट और ये फंक्शन और ये
डिव रिटर्न, ये ब्राउजर के ऊपर डायरेक्ट नहीं चल सकता, ब्राउजर के ऊपर इस चलना इसका पॉसिबल नहीं है। इवन दो कि जब मैं यहाँ पे कोड लिखता हूँ और सेव का बटन दबाता हूँ तो यहाँ पे कंपाइल लिखा हुआ है कि कंपाइल हुआ ही, और कंपाइल हो के इसने पीछे कोई सेटिंग की है और ब्राउजर पे चलाया है, ये फाइल डायरेक्ट ब्राउजर पे नहीं चल रही है। अच्छा, तो इसका मतलब है होस्ट भी नहीं हो सकती ये फाइल फिर डायरेक्ट। तो इसके लिए मुझे एक कमांड होती है npm run build, सही है, ये वो कमांड है npm run build। npm run build लिख के जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो आप यहाँ पे इस जगह पे आप देखेंगे ये पब्लिक के साथ यहाँ पे अभी एक फोल्डर बन के आ जाएगा बिल्ड के नाम से, सही है। अभी मैंने एंटर नहीं किया, ये अब मैंने एंटर किया है तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बिल्ड के नाम से फोल्डर बन के आ गया जो पहले नहीं था। अच्छा, इस बिल्ड के फोल्डर को अगर मैं खोलता हूँ तो यहाँ पर मुझे एक HTML की फाइल देखने को मिलती है जो कि मिनीफाइड और अग्लीफाइड है सिंगल लाइन में। कुछ जावास्क्रिप्ट की भी फाइल देखने को मिलती है मुझे यहाँ पे जो कि किस फॉर्म में, मिनीफाइड और अग्लीफाइड फॉर्म में, सही है। ये मिनीफाई और अग्लीफाई, ये दो टेक्निक्स होती हैं। नंबर एक मिनीफाई, मिनीफाई में क्या होता है कि आपके वेरिएबल के नाम को छोटा कर दिया जाता है, उससे आपके फाइल का साइज छोटा हो जाता है। आपको याद होगा जब हम एक्सियोस यूज़ किया था हमने पहली बार तो उसमें exios.min.js था, तो उस मिन का मतलब होता है मिनीफाइड कि वो फाइल साइज में छोटी है। तो मिनीफाइड जो फाइल होती है ना वो प्रोडक्शन फाइल होती है, इसमें इसको देखा नहीं जा सकता, इसको डिबग नहीं किया जा सकता। तो पहले प्रॉपर जावास्क्रिप्ट लिखने के बाद उसको मिनीफाई कर दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, ताकि आपके फाइल का साइज छोटा हो जाए, फाइल जल्दी से डाउनलोड हो। नंबर दो टेक्निक है अग्लीफाई। अग्लीफाई में ये होता है कि आपका जो कोड है ना उसमें उसको ऐसा कर दिया जाता है कि वो अगली हो जाता है, उसको पढ़ा ना जा सके। ना सिर्फ वेरिएबल का नाम छोटा करना तो एक चीज़ है ना, उसको तो पढ़ सकता है, यानी जो बड़े बड़े नाम थे उसको ABCD कर दिया उसने। अग्लीफाई में जानबूझ के कुछ ऐसी चीज़ें की जाती हैं कि सामने से इस कोड को पढ़ा और समझा ना जा सके, तो इसमें वो दोनों टेक्निक्स अप्लाई हुई हुई हैं। तो आप देखें इस कोड में ना तो आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, और ये देखें कुछ अग्लीफिकेशन भी हुई हुई है इसके अंदर, ये अग्लीफिकेशन है, कुछ नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया गया कुछ चीज़ों को, ठीक है। तो ये काफ़ी लंबी सी फाइल है, ये वही जावास्क्रिप्ट की फाइल है जो मैं लिख रहा था अभी थोड़ी देर पहले, उसको इसमें कन्वर्ट कर दिया गया है। लेकिन ये फाइल जो है ये चलेगी स्टिल, ये जो बिल्ड की फाइल है ये चलेगी प्रॉपर। जब मैं इस index.html पे डबल क्लिक मारूंगा तो ये फाइल खुल के मेरे सामने आ जाएगी, लेकिन इस फाइल को कभी मैंने इस तरह से यूज़ नहीं करना। अच्छा, वो बता दिया ना मैंने क्यों करते हैं, मिनीफाई इसलिए करते हैं कि फाइल का साइज़ छोटा हो जाए, और अग्लीफाई इसलिए करते हैं ताकि उसको इतनी आसानी से समझा ना जा सके। स्टिल उसको रिवर्स इंजीनियर किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल सेफ हो गया, उसको रिवर्स इंजीनियर किया जा सकता है, उसको दोबारा से अपनी असली हालत में लाया जा सकता है, लेकिन उसमें फिर बहुत सारी एफर्ट्स चाहिए होंगी, इतना आसान नहीं है उसको वापस लाना, ठीक है। तो जस्ट एक लेयर ऑफ समझ जाएंगे, एक लेयर ऑफ डिफ़िकल्टी उसमें ऐड कर दी है कि अगर मैंने कोड में कोई ऐसी लॉजिक लिखी है ना तो इसकी इतनी आसानी से उसको समझा ना जा सके, सही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल वो हो गया, सिक्योर हो गया, ये सिक्योर नहीं हुआ। जैसे अगर आप, मैं कोई फेमस ऐप खोलूँगा ना यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे YouTube.com अगर खोलता हूँ मैं, और ये मैं अपनी कोई वीडियो पुरानी ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे राइट क्लिक करके जब मैं खोलूँगा ना इसका व्यू पेज सोर्स, तो ये देखो व्यू पेज सोर्स में ये क्या आया है मेरे पास, सही है। ये अग्लीफाई वैसे नहीं हुआ हुआ, ये सिर्फ मिनीफाई हुआ हुआ है, सिर्फ इसमें वेरिएबल के नाम को छोटा किया हुआ है, फंक्शन के और वेरिएबल के नाम को देख रहे हो छोटा किया हुआ है, ये देख रहे हो फंक्शन ABCDEFGH, ऐसे फंक्शन का नाम रखता है क्या कोई, ये मिनीफाई हुआ हुआ है, ठीक है, इसलिए ऐसे नाम हुआ है। इसको अग्लीफाई इन्होंने नहीं किया, लेकिन मैं भी अभी मैं इस पर क्लिक करूँगा ना तो शायद इसको इन्होंने अग्लीफाई भी किया होगा, नहीं इसको भी इन्होंने अग्लीफाई नहीं किया, इसको भी इन्होंने अग्लीफाई नहीं किया, सिर्फ मिनीफाई किया। ये देख रहे हो फंक्शन कॉल हुआ हुआ है, पैरामीटर ABCD, इन्होंने अग्लीफाई नहीं किया, पता नहीं क्यों नहीं किया। फेसबुक खोल के देखते हैं, फेसबुक वालों ने तो दोनों किया हुआ होता है, व्यू पेज सोर्स, जावास्क्रिप्ट की फाइल इनकी किधर है, ये तो स्टाइल शीट्स है ना सारी, अभी स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट,
अच्छा इन्होंने स्क्रिप्ट की फाइल के साथ कुछ ऐसा किया कि लिंक लगा हुआ ही नहीं है यहाँ पे, देख रहे हो लिंक ही नहीं लगा हुआ, पता नहीं क्या किया उन्होंने। तो ये वायरल बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, ये एक्चुअली ब्रांच है साइबर सिक्योरिटी वालों की ना, जो नेटवर्क सिक्योरिटी का डिपार्टमेंट होता है वो बताता है कि क्या चीज़ करनी है, किस चीज़ से बचने के लिए क्या करना है। ये हमारा डेवलपर एज अ डेवलपर हमारा काम नहीं होता ये, ठीक है। इसके टूल्स बने हुए होते हैं पहले से अग्लीफाई करने के और मिनीफाई करने के, वो हम बस उससे अपने कोड को गुजारते हैं, वो खुद ही करता है जो भी उसने करना है, और वो टूल डिज़ाइन करते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी वाले, वो हमारा काम नहीं होता, ठीक है जी। तो ये हमने कुछ देख लिया छोटा मोटा। अच्छा तो ये जो बिल्ड का फोल्डर है ना, अब ये जाएगा सर्वर पे, और यानी होस्ट होने के लिए, मेरी पूरा सोर्स कोड नहीं जाएगा, मेरा सोर्स कोड मेरे पास रहेगा, प्राइवेट रहेगा। अभी तो मेरी गिटहब की रिपॉजिटरी भी पब्लिक है, लेकिन वो तो जाहिर है प्राइवेट रहेगी। जब कोई यानी कभी कोई क्लाइंट अगर मुझे प्रोजेक्ट देता है तो उसकी रिपॉजिटरी मैं पब्लिक थोड़ी करूँगा, वो तो प्राइवेट रहेगी। तो मेरा सोर्स कोड जो है वो मेरी प्राइवेट रिपॉजिटरी के अंदर प्राइवेट रहेगा। जब मैं इसको फायरबेस पे या किसी भी जगह पे डिप्लॉय करता हूँ तो वहाँ पे ये बिल्ड का फोल्डर पूरा उठ कर जाएगा और उससे वो ऐप होस्ट हो रही होगी। जावास्क्रिप्ट की ऐप जब हम बनाते थे उसमें ऐसा नहीं होता था, उसमें पूरा सोर्स कोड चला जाता था, ठीक है। तो इसमें क्योंकि सोर्स कोड कंपाइल होता है, कंपाइल उसके उसका अग्लीफाई वर्जन तैयार होता है, तो हम वो वाला वर्जन भेजते हैं, हम ओरिजिनल सोर्स कोड नहीं भेजते इसके अंदर। अच्छा होस्टिंग करने के लिए हम यूज़ करेंगे फायरबेस होस्टिंग, तो चलते हैं जी फायरबेस होस्टिंग पे जाके। यार कहाँ चला गया। अच्छा जैसे ही मैंने लिंक पे क्लिक किया तो मुझे कहाँ लेकर आ गया, ये फायरबेस होस्टिंग के मेन पेज पे लेकर आ गया, जिसको हम लैंडिंग पेज कहते हैं। मैंने जाना है किस पे, कॉन्सोल पे जाना है, तो मैंने यहाँ पे कॉन्सोल पे क्लिक कर दिया, ठीक है। कि गूगल का जो अकाउंट है वो ऑटोमेटिकली लॉगिन हुआ हुआ है, क्योंकि फायरबेस गूगल की प्रोडक्ट है, तो अगर गूगल का अकाउंट आपके पास है तो फायरबेस उससे चलता होता है डायरेक्ट, अलग से इसमें आपको अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा अब मैंने करना क्या है इसके अंदर, मैं इसमें नया प्रोजेक्ट भी बना सकता हूँ और पहले से जो बने हुए प्रोजेक्ट हैं उनमें से भी किसी को यूटिलाइज कर सकता हूँ। तो मैं एक नया प्रोजेक्ट बना लेता हूँ फ़िलहाल के लिए। मैंने कहा कि भाई रिएक्ट ऐप होस्टिंग डिलीट दिस, ठीक है, क्योंकि फायरबेस के अंदर लिमिटेड ऐप्स होती हैं, तो उसको मैं डिलीट दिस के नाम के साथ बना रहा हूँ ताकि बाद में मैं उसको डिलीट कर पाऊँ, ठीक है। नेक्स्ट किया मैंने, उसके बाद मुझसे पूछ रहा है क्या एनालिटिक्स इनेबल करनी है। मैं इसको कहता हूँ नहीं, क्योंकि अगर मैं इसको इनेबल करूँगा तो मुझसे ये कुछ मजीद सवाल पूछता है जिससे टाइम ज़ाया होगा, तो वो टाइम बचाने के लिए मैंने उसको फ़िलहाल डिसेबल कर दिया। ठीक है जी, तो ये क्रिएट हो रहा है फायरबेस का प्रोजेक्ट। योर न्यू प्रोजेक्ट इज रेडी, कंटिन्यू। जैसे ही मैंने कंटिन्यू कर दिया और मेरा जो नया प्रोजेक्ट था वो बन के तैयार हो गया, तो मेरे सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आ गई। फायरबेस में सिर्फ होस्टिंग नहीं है, फायरबेस में और भी बहुत कुछ है, जैसे कि ऑथेंटिकेशन, फायरबेस का डेटाबेस है, रियल टाइम डेटाबेस है, स्टोरेज है, फंक्शंस है। तो हमें होस्टिंग यूज़ करना है तो हम कहाँ चले जाएंगे, हम ये जो बिल्ड बना हुआ है इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से होस्टिंग के अंदर चले जाएंगे, राइट। अच्छा होस्टिंग में जब मैं जाता हूँ तो यहाँ लिखा हुआ आता है गेट स्टार्टेड, गेट स्टार्टेड पे मैं क्लिक करूँगा तो ये मुझसे क्या कहता है कि आप क्या कर लो, फायरबेस का CLI टूल इंस्टॉल कर लें अपने पास। कैसे इंस्टॉल कर लें, npm install -g firebase-tools, ठीक है। अच्छा जैसा कि मैंने जिक्र किया था पहले कि npm क्या चीज़ है, Node.js का प्ले स्टोर है एक तरह से, जैसे एंड्रॉयड के फ़ोन में प्ले स्टोर होता है, इसी तरह npm जो है वो क्या है, प्ले स्टोर है किसका, Node.js की लाइब्रेरीज़ का। तो Node.js की जितनी भी लाइब्रेरीज़ या Node.js पे बनी हुई ऐप्स होती हैं उसको npm के ऊपर रखा जा सकता है। तो इसने मुझे कहा कि भाई npm के ऊपर ये हमने रखा हुआ है अपना एक ऐप रखी हुई है, ये ऐप क्या है, एक CLI टूल है। CLI टूल किसको कहते हैं, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो सिर्फ टर्मिनल पे चलता हो उसको हम CLI टूल कहते हैं, सही है। CLI स्टैंड फॉर कमांड लाइन इंटरफेस। तो ऐसा सॉफ्टवेयर, यानी शुरू में जब कंप्यूटर आए थे तो CLI पे ही चलते थे सारे सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये तो क्लिक विलिक माउस वाउस ये तो बहुत बाद में आया, तो CLI पे चलता था सब कुछ और कीबोर्ड से कमांड के जरिए सारा काम होता था, ठीक है। तो डिवेलपर्स आज भी उस CLI टूल को पसंद करते हैं और नो डाउट उसमें चीज़ें थोड़ी जल्दी हो जाती हैं,
माउस को टच करने से बहुत काम ख़राब होता है और बहुत लेट होता है। मैं खुद भी कोशिश करता हूँ कि मैं माउस को टच कम से कम करूँ, माउस को टच ना करना पड़े, कीबोर्ड से सारे काम। तो ये CLI टूल बहुत अच्छे से अकोमोडेट करता है इस चीज़ को। तो ये एक CLI टूल है Firebase का, ये जो कह रहा है कि इंस्टॉल कर लो, तो आके इसको हम क्या कर लेते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं। अच्छा, इसके अंदर आप नोट करें -G लिखा हुआ है। -G का मतलब होता है ग्लोबल। इसका मतलब ये है, अगर मैं -G ना लगाऊं तो जो हम इंस्टॉल करते हैं उसी फोल्डर में इंस्टॉल होता है और नॉट मॉड्यूल का फोल्डर एक बना हुआ आ जाता है, राइट। अगर मैं -G लगाऊं ना तो ग्लोबली इंस्टॉल होता है और उस फोल्डर में कुछ भी नहीं बना हुआ आता। तो मैं क्या करूँगा, ये कहता टर्मिनल खोल लेता हूँ और टर्मिनल पर मैं CD करके डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ और डेस्कटॉप पे आके मैंने इसको इंस्टॉल किया, npm install -g Firebase tools enter। तो आप देखें डेस्कटॉप पे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं आएगा, जो है वही रहेगा। अच्छा, ये परमिशन का इशू आ गया। परमिशन का इशू इस वजह से आ गया कि कोई भी चीज़ अगर मैं ग्लोबली इंस्टॉल करता हूँ ना तो मुझे उससे पहले क्या लगाना होता है, मुझे sudo लगाना होता है। ये लिनक्स में और मैक में होता है सिर्फ, विंडोज़ में ऐसा नहीं होता। लेकिन विंडोज़ में भी समटाइम आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना पड़ता है अपने CMD को, ठीक है जी। तो ये मैंने चला दिया, मेरे पास पहले से इंस्टॉल था लेकिन उसके बावजूद मैंने उसको रन कर दिया ताकि अगर पुराना वर्जन हो तो अपडेट हो जाए, ठीक है जी। तो ये इंस्टॉल हो रहा है। तो आपने देखा डेस्कटॉप पे खड़ा होकर मैंने रन किया, लेकिन डेस्कटॉप पे कोई ऐसी एडिशनल फाइल या कोई ऐसा एडिशनल फोल्डर नहीं आया क्योंकि मैंने -G करके इसको इंस्टॉल किया, ठीक है। और इंस्टॉल करने के बाद अब मैं जब लिखूंगा Firebase --version तो ये मुझे बता देगा कि आपके पास Firebase का ये वर्जन इंस्टॉल है, ठीक है। बस यहाँ पे इसका काम ख़त्म हो गया। अच्छा, एक काम और भी रहता था, लेकिन मैंने इसको बोलना था Firebase login, ठीक है। मेरा तो वैसे लॉगिन हुआ हुआ होगा, लेकिन आपको पहली दफ़ा ये करना पड़ेगा। लॉगिन पहले से हुआ हुआ कह रहा है, ये ईमेल है, इससे आप पहले से लॉगिन है। तो मैं इसको ज़रा Firebase logout कर देता हूँ जस्ट टू डेमॉन्स्ट्रेट कि ये लॉगिन किस तरह से कर रहा होता है। और अब मैं दोबारा लॉगिन करूँगा तो आप देखें क्या कहता है ये, अलाउ Firebase टू कलेक्ट CLI। मैंने कहा यस। तो इसने ब्राउज़र खोला, ऑथेंटिकेट किया, मुझसे अकाउंट पूछ रहा है कौन सा अकाउंट है, ठीक है। मैंने कहा ठीक है जी, अलाउ, ठीक है। ये लिखा हुआ गया, मतलब कंप्लीट हो गया। मैं वापस जाके अब CLI पे जब देखूँगा तो ये क्या कह रहा है, सक्सेसफुली लॉग्ड इन विद दिस ईमेल। तो ये भी एक बार ग्लोबली हो जाता है, दोबारा इसको करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। अब अगला काम मैंने क्या करना है, अब मैं आ जाऊँगा अपने उसी फोल्डर के टर्मिनल के अंदर और मैं क्या बोलूँगा, Firebase deploy hosting, राइट। अच्छा, यहाँ पे बता भी रहे हैं भाई दादा। मैंने कहा अच्छा ठीक है जी, इंस्टॉल कर लिया, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट में कह रहा है कि Firebase login करो और Firebase init करो, सही है। तो चलो मैं Firebase init कर लेता हूँ जस्ट अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंटेशन, जो डॉक्यूमेंटेशन में बताया जा रहा है उससे। Firebase init एंटर किया मैंने Firebase init लिख के। तो ज़रा मैं इसको जूम इन कर देता हूँ कि क्या आ रहा है मेरे पास। मेरे पास कुछ इस तरह का ऑप्शन आ रहा है, ओके सही है। Firebase init लिखा मैंने, यहाँ से शुरू हुआ है और एक कुछ इस तरह का ऑप्शन आ रहा है, कह रहा है कि विच Firebase फीचर वुड यू लाइक टू सेटअप, ठीक है। और उसके बाद नीचे मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस आ रहे हैं, देखो, फंक्शन, होस्टिंग दो बार आ रहा है, स्टोरेज, इमुलेटर, रिमोट कॉन्फ़िग, बहुत सारी चीज़ें। तो मुझे अच्छा एरो अप और डाउन करूँगा मैं, तो देखो ये लिस्ट में ऊपर और नीचे जा रहा है, सही है। अच्छा, होस्टिंग दो दफ़ा आ रहा है तो ज़रा दोनों को पढ़ लेते हैं क्या कह रहे हैं ये। कन्फिगर फाइल फॉर Firebase hosting एंड ऑप्शनली सेटअप GitHub actions और सेटअप GitHub actions। तो मुझे पहला वाला करना है, सही है। तो मुझे जो करना था ना उस पर लाके मैंने स्पेस का बटन दबाया तो ये ग्रीन हो गया, ठीक है। स्पेस का बटन दबा के मैंने फिर क्या करना है, फिर मैंने एंटर कर देना है। इसने कहा ठीक है जी, Firebase hosting समझ आ गया। अब कौन से प्रोजेक्ट में करना है, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट या क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। मैंने कहा एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, यहाँ से भी क्रिएट न्यू करने से ना ऑटोमेटिकली वो पीछे प्रोजेक्ट बना देता है, लेकिन वो समझ नहीं आता ये हुआ क्या है, इसलिए मैंने अलग से डैशबोर्ड पे जाके बनाकर दिखाया आपको। तो मैंने कहा भाई एग्जिस्टिंग, इसको भी देखो एरो को ऊपर नीचे कर सकता हूँ, मैंने कहा यूज़ एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट और इस पर लाके एंटर प्रेस कर दिया। अब मुझसे ये ना पूछेगा कि यार कौन सा एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, कह रहे हैं कि ID बता दो भाई आप उसकी। तो हम चलते हैं ज़रा इस प्रोजेक्ट में और इसकी ID जो है ना, ये होस्टिंग से पहले जो है ना, ये जो मैंने नाम रखा था React App Hosting Delete This, ये देख रहे हो,
ये इसकी आईडी है, यानी प्रोजेक्ट स्लैश के बाद जो वर्ड लिखा हुआ है ना पूरा अगले स्लैश तक, ये इसकी आईडी है। आपके केस में ये आईडी डिफरेंट हो सकती है जो भी आपने नाम रखा है उसके अकॉर्डिंग। जब आप भाई जब नाम लिख रहे होते हैं ना बनाते हुए, तो भी ये बता रहा होता है कि ये आपकी आईडी बन के आने वाली है ना, अगर आप इस वीडियो को पीछे करके देखेंगे तो। अच्छा तो मैंने आईडी लाके यहाँ पे पेस्ट किया, एंटर किया, इसने बोला ठीक है जी मुझे आईडी भी क्या हो गई समझ में आ गई, ये आईडी इसको समझ में आ गई। अच्छा अब ये पूछ रहे हैं कि आपकी जो पब्लिक डायरेक्टरी है ना वो कौन सी वाली है वो मुझे बता दो आप। तो मैं इसको क्या बोलूँगा, जो पब्लिक डायरेक्टरी मतलब कौन सा फोल्डर भेजना है आपको, तो वो है मेरा बिल्ड का फोल्डर, राइट। तो मैं इसको बोलूँगा डॉट स्लैश बिल्ड के इसी फोल्डर में एक बिल्ड का है फोल्डर, वो ले जाओ, एंटर। अब मुझसे पूछ रहे हैं कि कन्फिगर एज अ सिंगल पेज एप्लीकेशन। सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या होता है कि इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अलावा कोई भी यू आर एल बंदा लिखेगा ना अगर जो मौजूद नहीं है, तो वो उसको घुमा के इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पे लेकर आ जाता है, ठीक है। वैसे इसके अंदर यस प्रेस करेंगे हम, क्योंकि रिएक्ट पे आमतौर पे हम सिंगल ऐप सिंगल पेज ऐप बनाते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए आप इसको वो कर दें डिफ़ॉल्ट पे। अच्छा देखें डिफ़ॉल्ट इसमें क्या है, ये पूछ रहे हैं ना यस और नो, तो नो लिखा हुआ है कैपिटल से और यस लिखा हुआ है स्मॉल से, तो अगर मैं कुछ लिखे बगैर एंटर करूँगा तो ये कैपिटल वाला डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। कुछ लिखे बगैर अगर मैं एंटर करूँगा ना, तो ये जो कैपिटल वाला है ना यस भी हो सकता है नो भी हो सकता है, तो ये नो अभी कैपिटल पे है तो ये आ जाएगा, एंटर कर दिया मैंने कहा नो, अभी सिंगल पेज वगैरह के चक्करों में नहीं, ठीक है। जस्ट वो करता ये है कि आपके जितने भी यू आर एल होते हैं उसको री राइट कर देता है। 404 का पेज नहीं होता सिंगल पेज ऐप में ना, 404 का पेज नहीं होता कि भाई ये पेज मिल नहीं रहा, ठीक है। अच्छा फिर ये कह रहे हैं कि सेटअप ऑटोमेटिक बिल्ड्स विद गिटहब, इसमें भी नो लिखा हुआ है डिफ़ॉल्ट, तो मैं नो कर देता हूँ फिलहाल डिफ़ॉल्ट पे। अच्छा इसने बोला कि भाई मैंने ना क्या कर दिया है, बिल्ड के फोल्डर में 404 के नाम से एक फ़ाइल बना दी है खुद ही, कि जब वो यू आर एल नहीं मिला ना कोई तो ये फ़ाइल चलेगी। अच्छा अब ये कह रहा है कि इंडेक्स डॉट एच टी एम एल जो है वो पहले से मौजूद है आपके पब्लिक डायरेक्टरी जो भी आपने बताई है उसमें, तो क्या उसको ओवर राइट कर दूँ मैं, अपना इंडेक्स डॉट एच टी एम एल रख दूँ वहाँ पर उसको हटा के, हमारा वाला जो वही चीज भेज रहे हैं ना मैं, तो वो कह रहा है उसको हटा दूँ मैं, तो इसमें भी डिफ़ॉल्ट पे देखो नो है, तो मैंने इसको एंटर कर दिया नो पे। ये इनिशियलाइजेशन कंप्लीट हो गई हमारी, इनिशियलाइजेशन कंप्लीट करने के बाद ये क्या कह रहा है, इनिट तक तो मैंने कर दिया यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट अब ये कह रहा है फायरबेस डिप्लॉय चला दो, फायरबेस डिप्लॉय। अच्छा अगली दफ़ा आपने आप जब भी कोई चेंजेस करेंगे तो फायरबेस इनिट नहीं करना है, वो एक बार हो गया। अच्छा फायरबेस इनिट करने से ना दो फाइलें बनी हुई आ जाती हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ वो कैसी होती हैं देखने में, फायरबेस डॉट जेसन और फायरबेस आरसी। ये फायरबेस डॉट जेसन में वो तमाम डिटेल लिखी हुई है जो इसने पूछा है आपसे, जैसा कि बिल्ड का फोल्डर, ठीक है। फायरबेस आरसी के अंदर आपके प्रोजेक्ट की आईडी लिखी हुई होती है कि इस प्रोजेक्ट पे भेजा जाएगा जब यहाँ से आप फायरबेस डिप्लॉय रन करोगे तो इस आईडी पे भेजा जाएगा, ठीक है। वरना फायरबेस पर तो हज़ारों प्रोजेक्ट्स हैं, कहाँ भेजे उसको पता ही नहीं चलेगा। वेल अच्छा तो जैसे ही मैंने फायरबेस डिप्लॉय चलाया तो आप नोट करें, इसने बोला कि डिप्लॉय कम्प्लीट और इसने मुझे होस्टिंग यूआरएल के नाम से एक चीज़ यहाँ पे दे दी है। अच्छा यहाँ पे भी होस्टिंग यूआरएल आ चुका है और यहाँ पे जब मैं कंटिन्यू टू कंसोल करूँगा तो होस्टिंग का पेज यहाँ पे अब थोड़ा सा मुख्तलिफ है, ठीक है। इसमें ये दो यूआरएल आ रहे हैं, दोनों वैलिड है, सही है। अगर मैं दोबारा से इसके यहाँ पर जाऊँ यानी तमाम ऐप्स के ऊपर और यहाँ से एंटर करूँ दोबारा अपनी ऐप में और मैं बिल्ड पर क्लिक करके और होस्टिंग में आऊँ, तो पहले से मुख्तलिफ अब मुझे ये पेज नज़र आ रहा है, ठीक है। ये मुझे बता रहा है कि कितनी दफ़ा डिप्लॉय हो चुका है, 13 फाइल्स डिप्लॉय हुई हैं 26 अक्टूबर 7:11 यानी कुछ मिनट पहले, सही है। और ये दो यूआरएल्स हैं, तो मैं पहले वाले यूआरएल पे क्लिक करूँगा तो मुझे ये मेरी ऐप खोल के बता देगा, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इसको मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। अब इसको आप खोलेंगे ये फ़ाइल आपके पास सामने मिल जाएगी, सही है। ये फाइल ये जो लिंक है मैंने आपसे शेयर कर दिया, ये मेरी फायरबेस होस्टिंग इस पॉइंट पे कंप्लीट हो गई है। अब मुझे अगर इसमें मजीद चेंजेस करनी है, अगर मज़ीद चेंजेस अगर मुझे करनी है इसके अंदर
अच्छा मैं दो टर्मिनल भी खोल सकता हूँ ना साथ साथ, एक टर्मिनल मेरे पास ये खुला हुआ है, एक और मैंने खोल लिया, मैंने कहा दो खोल लेते हैं, एक में npm start चला दिया मैंने, मैंने कहा भाई रियल टाइम में चलता भी रहे और एक दूसरा टर्मिनल एक्स्ट्रा है, तो ये रियल टाइम में मैंने चला लिया। अब इसके अंदर से मैं क्या करना चाहता हूँ, कुछ मजीद चेंजेस इसमें करना चाहता हूँ, अगर जैसे कि ये सब हटा के मैं इसमें ये लिखना चाहता हूँ कि Firebase होस्टिंग कम्प्लीटेड, सही है, ये अगर लिखना चाहता हूँ मैं, तो ये मेरे पास रियल टाइम वाले में तो लिख के शो हो गया, लेकिन अगर मैं यहाँ से दोबारा डिप्लॉय चलाऊँ Firebase डिप्लॉय, तो क्या ये चेंजेस Firebase पे पहुँच जाएगी? नहीं पहुँचेगी। क्यों नहीं पहुँचेगी? वो इसलिए नहीं पहुँचेगी कि मुझे जब भी कोई चेंजेस करनी होती है Firebase में तो उसके बाद बिल्ड चलाना होता है, तो बिल्ड की जो कमांड है उसको जब मैं चलाऊँगा तो क्या होता है, ये बिल्ड का जो पुराना फोल्डर है ये डिलीट हो जाता है और इसकी जगह एक नया फोल्डर बनता है, सही है। अभी देखो मैंने दोबारा से डिप्लॉय की कमांड चलाई है, लेकिन यहाँ पे जब मैं जाऊँगा ना, ये जो मेरे Firebase पे होस्ट हुआ भाई URL है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आया क्योंकि मैंने बिल्ड नहीं चलाया था। अच्छा अब मैंने क्या करना है, मैंने कहना है npm run build, सही है, npm run build चलाया, बिल्ड कंप्लीट हो गया, अब मैंने चलाया डिप्लॉय। तो React की ऐप के अंदर जब भी आप कोई चेंजेस करेंगे तो आपको बिल्ड जब तक नहीं चलाएंगे वो बिल्ड के फोल्डर में उसका कोई वो नहीं जाएगा, ठीक है। ये होस्टिंग का प्रोसेस में ये तमाम फाइलों को दोबारा से अपलोड कर रहा है, ठीक है, ये आपको URL इसने यहाँ पे भी दे दिया और वहाँ तो URL आपका वैसे भी मौजूद है। अब यहाँ आके जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये फ़ौरन यहाँ पे चेंजेस शो हो गए, ठीक है। अच्छा अब आपने क्या करना है, कल जो आपने CV बनाई थी इस हेलो वर्ल्ड की ऐप के अंदर, हमने एक सिंगल कंपोनेंट अभी तक देखा है, एक सिंगल कंपोनेंट के अंदर रहते हुए अभी तक हम काम कर रहे हैं, तो इस सिंगल कंपोनेंट के अंदर एक CV आप सब लोगों ने बना लिए आई होप, तो वो CV जो है ना आपने होस्ट करके एक GitHub के ऊपर एक रिपॉजिटरी होगी कि माई CV इन React या माई फर्स्ट React ऐप, किसी भी नाम से जो आपका दिल करे, उसमें आपका पूरा का पूरा कोड होगा और उसमें साइट में URL आ रहा होगा जो कि Firebase होस्टिंग पे डिप्लॉय हुआ होगा, ठीक है। तो ये मुझे जल्दी से आप बना के भेज दें, जितनी जल्दी आप ये URL मुझे देंगे तो फिर हम आगे पढ़ाई करेंगे, सही है, चलो शुरू हो जाए सब लोग। Firebase वर्जन, हाँ, टर्मिनल में भी चल सकता है, कहीं भी चल जाएगा वो, तो उसका मसला नहीं। वो मैंने अलग से इसलिए चलाया था कि मैं असल में डेस्कटॉप के ऊपर चला के दिखाना चाह रहा था कि इसको चलाने से कुछ हो नहीं रहा, ठीक है, यहाँ पे भी चलाओगे तो एक ही बात है, सही है, क्योंकि देखो Node.js की जो कुछ लाइब्रेरीज है जब उसको इंस्टॉल करते हैं ना तो वो इस फोल्डर में इंस्टॉल होती है। अभी देखो इसमें मैं Axios इंस्टॉल करूँगा, ज़रूरत पड़ेगी ना हमें, Axios तो चाहिए ना हमें, ठीक है। मैंने कहा npm i Axios एंटर, Axios इंस्टॉल किया, ये हो गया इंस्टॉल, सही है। अब देखो हुआ क्या, पैकेज डॉट जेसन के अंदर इसका नाम आ गया होगा, ये देखो पैकेज डॉट जेसन के अंदर ये Axios आ गया नाम, अगर नहीं होता ना ये बना देता पैकेज डॉट जेसन की फाइल को। अच्छा और नॉट मॉड्यूल के अंदर ये यहाँ पे भी Axios आ गया होगा, ये सारी लाइब्रेरीज हैं जो इसमें चली हुई हैं पहले से, ये देखो यहाँ पे भी Axios आ गया, लेकिन वो मैंने अलग से डेस्कटॉप पे इसलिए चला के दिखाया था कि -G करके जब कोई भी चीज़ चलाते हैं हम तो उसमें वो उस फोल्डर में कुछ भी नहीं करता, उस फोल्डर को छेड़ता ही नहीं है, वो रूट पे कहीं अंदर करता है सेटिंग, और वो पूरे PC में हर टर्मिनल पे अवेलेबल होता है। ये जो चीज़ इंस्टॉल हुई है ना ये इस फोल्डर के अलावा कहीं और अवेलेबल नहीं होगी, तो इसलिए मैंने अलग से चला के दिखाया था। और ग्लोबल करने का मतलब ये है कि देखो अब मैं जब अपने नॉर्मल डेस्कटॉप पे आके यहाँ पे टर्मिनल खोलूँगा और यहाँ पे मैं Firebase -- वर्जन लिखूँगा तो यहाँ पे भी ये शो करेगा, इसका मतलब ये ग्लोबली इंस्टॉल है, और यहाँ पे तो ऑब्वियसली शो करेगा ही करेगा। मैंने कहा Firebase -- वर्जन, ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे भी इसने सेम वर्जन शो कर दिया, सही है, Firebase -- वर्जन की कमांड में। तो मैंने अलग से इसलिए चला के दिखाया था, और कोई रीज़न नहीं, आप जहाँ पे दिल करे आप चला सकते हैं, सही है। कोई सवाल है जो अभी तक मैंने बात बताई है उसके मुताबिक npm run build। अच्छा अगर ये कमांड आप भूल जाएं तो ये पैकेज डॉट जेसन की फाइल में ना ये लिखी हुई है सारी कमांड, देखो npm start, npm run build, ये दोनों कमांड ही यूज़ करनी है, ये बाकी की दो अभी फ़िलहाल आपने यूज़ नहीं करनी है, सही है। इजेक्ट की कमांड से पता क्या होगा, वो आपको रिएक्ट से बाहर निकाल देगा,
आप रिएक्ट के ऊपर ऐप लिखी हुई है ना, आप चाहते नहीं यार मैं प्लेन HTML CSS में आ जाऊँ, वो इजेक्ट क्या करेगा, आपको बाहर निकाल देगा, प्लेन HTML CSS में ला के खड़ा कर देगा। सही है, तो ये ऊपर वाली दो यूज़ करना, बाकी की नीचे वाली दो यूज़ फिलहाल नहीं करनी है आपने। ठीक है, ये सारे का सारा कोड मैं GitHub में पुश कर रहा हूँ, क्लास कोड और एंटर। npm run build, हाँ बिल्ड का फोल्डर बन जाएगा। npm start से ऐप चलेगी, npm run build करने से बिल्ड का फोल्डर तैयार हो जाएगा। सही है, कोड ज़रा देख लेते हैं GitHub में पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया। ठीक है जी, ये GitHub में आपका कोड जो है वो पहुंच चुका है। सही है, ये Firebase RC, Firebase JSON ये सब यहाँ पे आ चुका है। सही है, और ये MD की फाइल है, जो readme.md की फाइल थी ना वो यहाँ पे दिख रही है आपको। सही है, चले जी सब लोग शुरू हो जाए। क्या समझा नहीं हूँ दोबारा बोलो। नहीं ऐसी बताओ तो सही, क्या हुआ क्या है? नहीं नहीं तुम पहले देखो इंस्टॉल हो गया, वो इंस्टॉल हो गया कैसे चेक करोगे? फायरबेस माइनस माइनस वर्जन करोगे। पहली वाली होस्टिंग, वो सेकंड वाली ना होस्टिंग नहीं है, वो GitHub एक्शन की का सेटअप है। वो होस्टिंग पहली वाली है सर, वो सेकंड वाली जो होस्टिंग है ना वो असल में होस्टिंग है नहीं, वो GitHub एक्शन सेटअप करके देगा आपको। सॉरी GitHub एक्शन अभी छोड़ दो ना, अभी नॉर्मल होस्टिंग तो करो पहले। GitHub एक्शन ये होता है कि आप GitHub में जैसे ही कोड पुश करोगे ऑटोमेटिकली वो होस्ट हो जाएगा। सही है, GitHub एक्शन ये होता है, लेकिन फिलहाल अभी पहले नॉर्मल होस्टिंग तो करो, ये भी देख लेंगे। एरर में क्या लिखा हुआ है पढ़ के बताओ। एक मिनट, क्या कह रहे हो? ये पावर शेल पे चला रहे हो तुम, पावर शेल पे नहीं चलाओ। किस पे हो? CMD पे हो। टर्मिनल कौन सा है यही तो पूछ रहा हूँ। पावर शेल पे नहीं चलाओ ना भाई, किसी और पे चलाओ। ये पावर शेल पे ना समटाइम बड़े मसले करता है यार, इसको डिसेबल कर दो। डिफ़ॉल्ट जाओगे ना अपने VS कोड में यहाँ पे, और डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल करके आ रहा होगा इधर, जब टर्मिनल खोलोगे यहाँ पे ना ऐसे देखो, ये सेलेक्ट डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल आ रहा है। ये डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल करके ना इसमें या तो बैश कर दो गिट बैश, और या तो इसको कर दो CMD, जो लोग विंडोज़ पे उनकी बात कर रहा हूँ, बाकी जो अगर मैक और लिनक्स पे उनकी खैर है, वो जो नॉर्मल है वो सही। असल में पावर शेल में इन्होंने ना कुछ नए सिक्योरिटी के पता नहीं क्या किए, इन्होंने सिक्योरिटी कुछ नई लगाई है, वो आज तक समझ में नहीं आई मेरे को क्या किया उन्होंने।